contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of red balls, so determine the number of blue balls in the bag. Okay, so ye question hamare paas. Ab is question mein hum let kar lete hain ki blue balls hamare jo bag mein hai wo x hoga, kyunki isme blue balls ka number nahi diya hai. Red ball to aapko pata hai, lekin blue ball inhone bola ki some blue balls in the bag. Okay, so isko humne x le liya. Is it clear? अभी हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे बैग में. अभी ब्लू हो गया अपना x, रेड हो गया 5, तो टोटल कितना हो गया x प्लस 5, ये हो जाएगा. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल्स, सो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ब्लू बॉल्स की, कितने ब्लू बॉल्स निकाले जाएंगे. सो ब्लू का क्या है, ब्लू कितने हैं x, एंड टोटल क्या है x प्लस 5. सो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा अपना x, एंड टोटल आउटकम्स हो जाएगा x प्लस 5. क्लियर? अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, तो रेड बॉल अपने को पता है कितने निकाले जा रहे हैं, 5, और किसमें से निकाले जा रहे हैं, सो टोटल है अपना x प्लस 5, इसमें से है ना. सो ये हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ब्लू है ये ट्वाइस है किसका, रेड का जो निकाला जा रहा है. सो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स. ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी हमने निकाली ब्लू की, तो वो हुआ x अपॉन x प्लस 5 एंड इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा 5 अपॉन x प्लस 5 है ना. अब देखो x प्लस 5, x प्लस 5 दोनों साइड है काट लो, तो ये 2 एंड 5 कितना हो गया 10, सो x की वैल्यू हो गई 10. सो ब्लू बॉल्स कितने निकाले जा रहे हैं 10, और ओके और नंबर कितने हैं ब्लू बॉल्स के, टोटल 10, एंड टोटल बॉल्स कितनी है, सो 10 और 5 15.